इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फिनिक्स मोबाइल में कॉन्टैक्ट को कॉपी कैसे किया जाता है। हमारे इन्फिनिक्स मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट सेव है, उस कॉन्टैक्ट को हम फ़ोन से सिम में या सिम से फ़ोन में कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो इन्फिनिक्स मोबाइल में कॉन्टैक्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कहीं भी कॉन्टैक्ट नाम से एक एप्लीकेशन होगा, तो आपको कॉन्टैक्ट का जो एप्लीकेशन है, आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर सेटिंग का एक आइकन मिलेगा, तो आपको इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जहाँ से भी कॉन्टैक्ट को कॉपी करना है पहले उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम मेरा आइडिया में है, तो हम आइडिया पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, तो आपको अगर सिम टू में करना चाहते हैं तो सिम टू को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप फ़ोन में करना चाहते हैं तो फ़ोन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम फ़ोन में करना चाहते हैं तो फ़ोन पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद जो भी नंबर यहाँ पर है आप सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। जिस नंबर को आप कॉपी करना चाहते हैं सभी नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए बारी बारी से। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका कॉन्टैक्ट जो है सिमोन से कॉपी होकर के फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने इन्फिनिक्स मोबाइल में कॉन्टैक्ट को सिमोन से सिम टू में या सिम से फ़ोन में कॉपी कर सकते हैं।